हेलो फ्रेंड्स, अब मेरा टॉपिक है फॉर्मूला टू कैलकुलेट इन्फ्यूजन रेट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे हम फ्लूइड को कैलकुलेट करेंगे कि एक घंटा में हमको इतना चलाना है, दो घंटा इतना चलाना है, मतलब कि अगर कोई भी वैल्यू है हमारे पास तो उससे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड, अगर एक घंटा हमको एक लीटर चलाना है या ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो हम लेके आए हैं। इसमें है क्या, जनरली वी यूज थ्री टाइप सेट। हम लोग जो है सो जनरली तीन प्रकार का सेट का उपयोग करते हैं। सेट जो जैसे हो गया आपको बीटी सेट हो गया, उसमें 10 ड्रॉप पर ml बीटी सेट से जो इन्फ्यूजन हम करते हैं तो उसका 10 ड्रॉप जो होता है वो 1 ml के बराबर होता है। और पेडिया ड्रिप सेट का कितना होता है, 60 ड्रॉप पर ml, उसमें 60 ड्रॉप जो होता है सो 1 ml के बराबर होता है। और आईवी सेट की अगर हम बात करें तो उसमें या तो 20 ड्रॉप पर ml होता है या 15 ड्रॉप पर ml होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है वॉल्यूम इन ml बाय टाइम इन मिनट मल्टीप्लाइज ड्रॉप फैक्टर, जो कि जैसे ऊपर में थ्री टाइप का ड्रॉप फैक्टर था तो ड्रॉप फैक्टर ड्रॉप पर ml में। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। 100 ml इज टू बी गिवन फॉर 50 मिनट विथ अ ड्रॉप फैक्टर ऑफ 20। क्वेश्चन में क्या है कि 100 ml जो है हमें स्लाइन या कोई फ्लूइड जो है सो 50 मिनट में हमें चढ़ाना है, जिसका कि ड्रॉप फैक्टर दिया गया है 20 है। तो व्हाट इज़ द इन्फ्यूजन रेट इन ड्रॉप्स पर मिनट, तो पर ड्रॉप एक मिनट में कितना ड्रॉप चढ़ेगा, इन्फ्यूजन रेट कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला से वॉल्यूम था तो वॉल्यूम ml में लिखती है, बट टाइम 50 मिनट था, मल्टीप्लाइज कितना हो जाएगा 20, जो कि ड्रॉप फैक्टर है। तो ये जैसे ये हम यहाँ 0 से 0 कट कर दिए और 20 टाइम्स में 5 से 100 कट जाएगा, तो 20 × 2 = 40 ड्रॉप पर मिनट। अगर हम उस पेशेंट को 40 ड्रॉप पर मिनट हम चढ़ाते हैं तो 100 ml जो हमारा है वो 50 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। डेट्स ऑल।